एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज की जो वीडियो है ना, वो सारी फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी माँ बनने का प्लान कर रहे हैं या फिर माँ नहीं बनना चाहते, मतलब कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं या प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड्स का पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन पीरियड्स होता क्या है? तो ओव्यूलेशन पीरियड्स जो होता है, वो होता है कि आपकी जो ओवरीज होती हैं, जहाँ से एग रिलीज होते हैं। आप सभी को पता होगा कि फीमेल्स की दो ओवरीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड हर मंथ किसी एक ओवरी से एग निकलता है। एंड जो ओव्यूलेशन पीरियड्स होता है, उस दौरान एक मैच्योर एग निकलता है। एंड एक महिला के प्रेग्नेंट होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है ओव्यूलेशन डेट के टाइम पे। सो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट अफसोस कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, महिलाएँ इस बारे में नहीं जानती हैं। हाल ही में मेरी बात हो रही थी मेरी फ्रेंड से फ़ोन पे, और वो अभी काफ़ी साल हो गए मैरिज के, अभी वो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं पॉजिटिव। सो उसने गुड न्यूज़ मूवी में ओव्यूलेशन के बारे में सुना था, और वो मुझसे पूछ रही थी कि ये कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। उसके पीरियड जो है वो इनरेगुलर हैं, जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। सो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, आप कैसे अपना ओव्यूलेशन डेट जो होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं रेगुलर पीरियड्स में, इनरेगुलर पीरियड्स में, एंड कितने टाइम तक ये होता है, कैसे प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले ओव्यूलेशन डेट निकालने के लिए आपको अपना पीरियड साइकिल पता होना चाहिए। जो एक आइडियल पीरियड साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, 28 दिन का। और जब प्रेगनेंसी की एज होती है तो मैक्सिमम जो औरतें होती हैं उनका साइकिल 28 दिन का ही होता है। बट ये फीमेल टू फीमेल चेंज भी होता है, बहुत लोगों का 28 दिन से कम भी होता है, बहुत का ज़्यादा भी होता है। तो आइडियल तो 28 दिन है, लेकिन 21 से 35 दिन का अगर आपका पीरियड साइकिल है तो फिर ये नॉर्मल माना जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर 21 दिन से कम है या 35 दिन से ज़्यादा है तो फिर ये एक प्रॉब्लम की बात होती है। देखिए, जब उम्र बढ़ती है तो फिर साइकिल का बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब आप एक नॉर्मल एज में है, 25 से 30 साल की एज जो एक प्रेगनेंसी की एज होती है, उसमें आपका जो साइकिल है वो 21 दिन से 35 दिन के बीच ही होना चाहिए। और अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आप अपने गायनिक से ज़रूर दिखा लीजिएगा। सो अभी बात करते हैं कि पीरियड साइकिल आप निकालते कैसे हो। तो पीरियड साइकिल निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप अपने एक पीरियड्स का जो स्टार्ट डेट है, जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो डेट नोट करिए। और फिर अगले दिन जब आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो डेट नोट कर लीजिए। दोनों डेट्स के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग पीरियड साइकिल कहते हैं। जैसे कि 1 सितंबर को किसी का पीरियड्स आया और फिर नेक्स्ट पीरियड 29 सितंबर को आया, तो जो बीच का गैप है वो 28 दिन का है, तो उसका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का होगा। इसी तरह अगर 22 तारीख को ही आ गया, मतलब 1 तारीख को आया और फिर 22 को आ गया, तो 21 दिन का साइकिल है। एंड ऐसे ही अगर ऊपर गया तो फिर वो आगे जितना भी गैप आएगा उतने दिन का आपका पीरियड साइकिल होता है। सो अभी आपको पीरियड साइकिल का पता चल गया। सो अब हम जानेंगे कि ओव्यूलेशन पीरियड्स कैसे आप पता कर सकते हैं। सो जो ओव्यूलेशन पीरियड्स होता है वो आपके जो नेक्स्ट, जैसे कि जो आने वाला पीरियड्स है, जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, उस डेट से 14 दिन पहले का दिन होता है। सो कोई भी आपका 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन, 34 दिन, जितना भी है आपने नोट कर लिया, अब आपको पता है कि इस बार मेरा पीरियड्स 1 तारीख को आया है, अगले महीने मेरा पीरियड्स 29 तारीख को आने वाला है, तो आपको वहाँ से 14 दिन माइनस करना है। मतलब कि आपका जो ओव्यूलेशन डेट होगा वो होगा 14 तारीख को। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है, आपका पीरियड 1 तारीख को आया है, फिर 29 तारीख को आने वाला है, तो आपका जो ओव्यूलेशन डेट है वो 14 दिन पहले, 29 के 14 दिन पहले, मतलब कि 14 तारीख को है। और इसके लिए ओव्यूलेशन विंडो होती है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है वो 12 से 24 घंटे का ही होता है। और जो एग की लाइफ होती है, जो एक फीमेल की ओवरी से एग निकलता है,
उसकी लाइफ जो होती है वो 24 घंटे की ही होती है, मतलब एक ही दिन की होती है, लेकिन जो मेल का स्पर्म होता है उसकी लाइफ 3 से 5 दिन तक होती है। तो इसलिए इसको एक ओविलेशन विंडो बनाया गया है जो कि 6 दिन का होता है, और इन 6 दिनों में आप अगर संबंध बनाते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इन 6 दिनों में आप रेगुलर या फिर एक दिन छोड़कर अगर अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो तो आपके प्रेग्नेंट होने का चांस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो जैसे आपने ओविलेशन डेट निकाल लिया, अब आपका ओविलेशन डेट जो है वो है 14 तारीख। सो आपका जो पूरा विंडो होगा वो होगा 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह से आप 2 दिन आगे 2 दिन पीछे करके ये पूरी एक विंडो बनती है। डॉक्टर्स भी आपको ऐसे ही बताते हैं, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो आप, ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर भी आपको ओविलेशन विंडो बताते हैं और उन दिनों में आपको संबंध बनाने के लिए बोलते हैं। अब ठीक इसी तरह ये तो 28 दिन का अगर आपका साइकिल है, अगर आपका साइकिल 35 दिन का है तो फिर जैसे कि फिर आपका जो 35 से 14 आप जब माइनस करेंगे तो 21 तारीख आएगा। 21 तारीख को आपका जो डेट है ओविलेशन का डेट है वो है, तो जो आपका पूरा विंडो हो जाएगा ओविलेशन विंडो वो हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से आप 2 दिन आगे 2 दिन पीछे ऐड करके ओविलेशन विंडो निकाल सकते हैं। सो सेम इसी तरह अगर 21 दिन का साइकिल है तो 7th डे जो होगा वो ओविलेशन का दिन होगा, एंड जो आपका विंडो होगा वो 5, 6, 7, 8, 9 तारीख का होगा। सो होप आपको अभी पूरा क्लियर हो गया होगा कि ओविलेशन डेट आपको कैसे निकालनी है और कैसे आपको पीरियड साइकिल निकालना है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, जिनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इनरेगुलर होते हैं उन लड़कियों के साथ, क्योंकि जिनके रेगुलर हैं उनको तो पता है कि कितने दिन का साइकिल है, बट जिनके इनरेगुलर पीरियड्स हैं उनको समझ नहीं आता। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 मंथ्स का जो स्टार्टिंग डेट है उसको नोट करना है, उन सबको ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 3 कर देना है, आपको आपका जो पीरियड साइकिल होगा वो पता चल जाएगा, और इस तरह से आप अपना ओविलेशन डेट एंड ओविलेशन विंडो दोनों ही पता कर सकते हो। और अगर कुछ स्पेशल कंडीशन में ऐसा भी होता है कि ओविलेशन होता ही नहीं है और एग्स रिलीज ही नहीं होते, तब आपको डॉक्टर को ही दिखाना होगा, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप किसी वजह से ओविलेशन डेट काउंट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बॉडी भी उस टाइम पे कुछ सिम्टम्स देती है। जब आप ओविलेशन में होते हो तो आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो वाइट डिस्चार्ज होता है हर मंथ होता है, वो उस टाइम पे ओविलेशन के टाइम पे गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज होता है और हल्का सा वो चिपचिपा भी होता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कुछ सर्वेस में, कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ओविलेशन के टाइम पे फीमेल्स को सॉल्ट क्रेविंग होती है, मतलब कि नमक वाली चीज़ें आपको ज़्यादा खाने का मन करता है। इसके अलावा आपका जो पेट के निचले नीचे का हिस्सा है वहाँ पे हल्का हल्का सा पेन भी होता है, एक साइड में जिधर की ओवरी से एग रिलीज होगा वो वाले साइड में आपको हल्का हल्का पेन होगा, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप ओविलेशन में हो। सो इसके अलावा और भी इसको सिंपल करते हैं तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है एंड आजकल बहुत सारे ओविलेशन ट्रैकर ऐप्स आ गए हैं, वहाँ पे आपको पीरियड्स का स्टार्टिंग डेट डालना होता है, नेक्स्ट पीरियड का स्टार्टिंग डेट डालना होता है, पीरियड्स की साइकिल कितने दिन की है ये डालनी होती है, और फिर वो खुद ही आपको हर महीने आपका ओविलेशन का जो डेट होता है वो खुद नोटिफाई करेगा। तो इससे आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, रिमेम्बर करना भी आसान हो जाएगा। सो आप ओविलेशन ट्रैकर एप्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में ओविलेशन किट्स भी आती हैं जो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी किट्स के जैसी होती हैं, उसमें आपको अपने यूरिन का 2-3 ड्रॉप डालना होता है एंड अगर दोनों जो CNT लिखा होता है वो दोनों रेड हो जाता है तो इट मीन्स कि आप ओविलेशन में हैं। तो ये भी एक इजी प्रोसेस है, आप घर में वो किट लाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है वो तो बिल्कुल ही फ्री है, आप अपने प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड इजीली जान सकते हैं। और ये जो ओविलेशन किट होती है उसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर इसको बाई कर सकते हैं।
सो ये थी आज की वीडियो, होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारी फीमेल्स के साथ आती है, एंड स्पेशली जो थोड़ी गांव की हैं, क्योंकि शहरों में तो देखिए हम लोग डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं और टेस्ट वगैरह भी करा लेते हैं, बट जो गाँव की औरतें हैं जो डॉक्टर्स तक नहीं पहुँच पाती हैं, और उनको काफ़ी कुछ ताने भी सुनने पड़ते हैं इसके लिए, और बहुत सारे लोग सुनाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, कब चांसेस ज़्यादा हैं, ये सब पता नहीं होता, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स में। तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। सो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अगर आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।